राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान की ईडी हिरासत अवधि 3 दिन के लिए और बढ़ा दी। जी हां, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच एजेंसी से दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें अमानतुल्ला खान की 10 और दिन की हिरासत की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि हिरासत 3 दिन बढ़ाई गई है। आरोपी को 9 सितंबर को पेश करना होगा। खान को पहले दी गई 4 दिन की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत का समय समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आपने केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि विधायक अमानतुल्ला खान की साजिशन गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में ईडी का दुरुपयोग बंद करो के स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे। उधर ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वो उनका जवाब देने की बजाय बहस करता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कहा कि खान मुख्य आरोपी है। उसने आरोप लगाया कि अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और उसे वैध बनाने में किया गया, नकदी का भी इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि ईडी ने अदालत को बताया कि एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास भी किया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने खान पर असहयोग का भी आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए, वो केवल एक बार पेश हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में विधायक के अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान और बाकी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय के निकट प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी डीडीयू मार्ग पर आपके पुराने कार्यालय के पास जमा हुए, जिन्हें पुलिस ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च करने से रोक दिया और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए। प्रदर्शन में शामिल खान की पत्नी मरियम ने आरोप लगाया कि उनके पति को फर्जी मामले में फंसाया गया। वहीं दिलीप पांडे और कुलदीप कुमार समेत आप विधायकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अब इस मामले पर जज ने कहा कि हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई जाती है, उन्हें 9 सितंबर को पेश किया जाए। ईडी ने खान की पहले दी गई 4 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया था। एजेंसी ने राष्ट्र राजधानी के ओखला क्षेत्र में स्थित अमानतुल्ला के आवास की तलाशी लेने के बाद 2 सितंबर को उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया था। ईडी ने अदालत को बताया था कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वो जवाब देने से बच रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। वहीं अमानतुल्ला खान के वकील ने भी कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा, मेरे नाम से कोई प्लॉट नहीं है और इस बारे में ईडी के पास कोई सबूत भी नहीं है, फिर भी मुझे हिरासत में रखा गया है। एजेंसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ये प्लॉट कौन से इनकम सोर्स से खरीदा, जबकि मेरा उस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। मैं 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुआ था, जहां मुझसे 13 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अब मुझसे वही सवाल फिर से पूछे जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या ये सच है कि एक ही सबूत का सामना कराया जा रहा है? ईडी ने जवाब दिया कि पूछताछ का एक पहलू ये है कि एक ही बात का सामना कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ देखना जरूरी है कि जांच अभी भी चल रही है और उनसे पूछताछ बहुत आवश्यक है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।